ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आप सभी की क्वेरी के अनुसार मैं आपको आज गैलेक्सी नोट 9 और गैलेक्सी एस 9 प्लस का एक छोटा सा स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन ओवरव्यू दिखाता हूं, जिसके बाद जो आपकी क्वेरी है कि इनमें से कौन सा फ़ोन लिया जाए वो कुछ हद तक ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। अब सबसे पहले हम इनके डिज़ाइन की बात करते हैं। यहाँ पर आप फ्रंट में देख सकते हैं कि दोनों फ़ोन्स आपको देखने में अलग अलग लगेंगे। जी हाँ, एस 9 प्लस आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज़ का दिखेगा, साइज़ का छोटा है और इसकी जो ग्रिप है वो भी नोट 9 के मुकाबले कम है। इसके अलावा इसमें आपको जो एजेस हैं वो राउंड शेप के मिलते हैं, जबकि गैलेक्सी नोट 9 में एजेस बॉक्स शेप में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप खुद इन दोनों फ़ोन्स की ग्रिप का डिफरेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो जज करने का आपका डिसीजन है कि इनमें से कौन सा फ़ोन लिया जाए, वो डिज़ाइन की वजह से थोड़ा सा आपका कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी एस 9 प्लस में आपको 6.2 इंच का क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, जो कि सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी से लैस है। तो वहीं गैलेक्सी नोट 9 में आपको 6.4 इंच का क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है और इसमें भी आपको सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी मिल जाती है। साथ साथ दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो आपको जो फ़ोन की इनकी ड्यूरेबिलिटी है वो लगभग एक बराबर ही है। अब बात करते हैं इन फ़ोन के बैक पैनल की, तो मैं यहाँ पर इनको टर्न कर लेता हूँ। ये गैलेक्सी एस 9 प्लस को मैंने टर्न कर लिया और ये रहा नोट 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लुक्स वाइज इसमें आपको दोनों में थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा। गैलेक्सी एस 9 प्लस में भी आपको ग्लास बैक पैनल मिलता है, तो नोट 9 में भी आपको ग्लास बैक पैनल मिलता है। पर मेरी अगर मानेंगे तो मुझे पर्सनली बैक साइड से लुक्स जो है वो नोट 9 की ज़्यादा पसंद आ रही है, और उसकी वजह है कि आजकल सभी स्मार्टफोन कंपनी आपको वर्टिकल शेप में कैमराज मुहैया करा रही है, लेकिन नोट 9 में हॉरिजॉन्टल शेप में कैमरा दिया गया है। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट भी थोड़ी सी पहले के मुकाबले अब ठीक करती है, और अब आपका जो हाथ है वो आसानी से फ़ोन पर पहुँच जाएगा और आप इसको फिंगरप्रिंट सेंसर को अपने फिंगरप्रिंट टच करके अनलॉक कर पाए। तो यहाँ पर जो आपका हाथ है वो भी आसानी से पहुँच जाएगा और आप फिंगरप्रिंट सेंसर को भी आसानी से यूज़ कर पाएंगे। ओवरऑल मेरे हिसाब से मुझे लुक्स जो है वो नोट 9 की ज़्यादा पसंद आ रही है। हालांकि थोड़ा सा बड़ा ज़रूर लगेगा आपको इस साइज़ में, पर ये आपकी चॉइस है कि आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 लेना है लुक्स वाइज, या आप सैमसंग गैलेक्सी एस 9 प्लस की तरफ जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं इनके इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशंस की। तो सबसे पहले मैं आपको नोट 9 के स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, साथ साथ एस 9 प्लस की बताता हूँ। तो यहाँ पर नोट 9 में आपको मिलता है कंपनी का खुद का एक्जीनोस 9810 चिपसेट। इसके अंदर आपको 6GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। इसका एक और वेरिएंट भी आता है, इसमें आपको 8GB रैम के साथ 512GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। वहीं गैलेक्सी एस 9 प्लस में भी आपको कंपनी का खुद का एक्जीनोस 9810 चिपसेट मिल जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको एक ही रैम वेरिएंट मिलता है, यानी 6GB। हालांकि इसके स्टोरेज वेरिएंट्स आपको अलग अलग ज़रूर मिल जाएंगे। इसके अलावा कैमरा सेक्शन पर नजर डालें तो दोनों में आपको 12+12 मेगापिक्सल का डुअल रेयर सेंसर मिल जाता है, और दोनों में आपको वेरिएबल अपर्चर मिलता है, यानी 1.5 से लेकर 2.4 तक का आपको अपर्चर मिल जाएगा, और ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट भी कर लेता है। अब बात करें फ्रंट कैमरा की, तो दोनों में ही आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर मिल जाता है और दोनों में ही f1.7 का अपर्चर भी दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा के मामले में दोनों ही फ़ोन एग्जैक्टली सेम है, कुछ खास चेंज आपको इनमें नहीं मिलेगा, और फाइनल जो वर्डिक्ट है कैमरा का वो मैं आपको इनका टेस्ट ज़रूर करके बताऊंगा। पर फिलहाल ये भी स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन है, तो इसलिए अभी सिर्फ मैं आपको स्पेक्स बेस्ड ही इनका डिसीजन बता पा रहा हूँ कि इनमें से कौन सा फ़ोन कैसा है। इसके अलावा हम बात करेंगे इनकी बैटरी की, तो नोट 9 यहाँ पर बाजी मार जाता है क्योंकि इसमें आपको 4000mAh की बैटरी मिल रही है, जबकि एस 9 प्लस में आपको मिलती है 3500mAh की बैटरी। और हमारे टेस्ट के दौरान हमें एस 9 प्लस की बैटरी डिसेंट लगी। अब देखना यह है कि नोट 9 अपनी 4000mAh बैटरी की वजह से क्या बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे पाएगा। अभी तो थी इन दोनों फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशन की बात। आपको बता दूं कि नोट 9 को ख़रीदने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इसका एस पेन। आपको नोट सीरीज़ में हमेशा ही एस पेन मिलता आया है, और इस बार भी कंपनी आपको ये एस पेन मुहैया करा रही है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि इस बटन की हेल्प से आप अपनी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर पाएंगे और अपने म्यूज़िक को स्टॉप या प्ले भी कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको एस 9 प्लस के लगभग प्राइस रेंज में ही नोट 9 मिल जाता है, जिसमें ज़्यादा बैटरी दी गई है, साथ साथ इसमें आपको एस पेन भी मिल रहा है और इसका स्क्रीन साइज़ भी बड़ा है। इनफैक्ट यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि नोट 9 के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा कैशबैक ऑफर मिल जाते हैं, जिस वजह से ये फ़ोन आपके एकदम बजट में फिट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि दोनों फ़ोन्स ऑलमोस्ट सेम हैं, इनका डिस्प्ले सेम है, इनके कैमरा सेम है, इनका प्रोसेसर सेम है, फ़र्क इनकी स्क्रीन साइज़, इनकी बैटरी और एस पेन का एक
फ़र्क है और प्राइस रेंज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि आप इनमें से कौन सा फ़ोन लेना चाहेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप लगभग 65,000 रुपये तक का एक फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो आपको नोट 9 खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की वजह से ज़्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा आपका मीडिया जो यूजेज है वो भी अच्छा हो जाएगा। पर एनीवे, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।